हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये आई मेकअप ट्यूटोरियल। और आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी, तो आज मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो लेकर आई हूँ। और देखते हैं कि मैंने ये आई मेकअप लुक कैसे किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से किया है, कोई भी इसे इजीली कर सकता है। और जितने भी मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, इन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि जब भी आप कोई आई मेकअप करते हैं, तो आई मेकअप करने से पहले आपको आई प्राइमर को जरूर लगाना है अपनी आईज पर, और उसके बाद आप कंसीलर लगाइएगा। इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनता है, काफी देर तक टिका रहता है। तो इसलिए आई प्राइमर और कंसीलर बहुत ज्यादा जरूरी होता है आई मेकअप करने से पहले। तो मैं यहां पर मैक का प्राइमर लगा रही हूं, इसे ही मैं एज आई प्राइमर लगाऊंगी। नेक्स्ट मैं यहां पर लगा रही हूं मैक का कंसीलर। अब मैं इसे एक ब्रश की हेल्प से सेट कर लूंगी। ये कुछ इस तरह से फ्लैट सा ब्रश है। आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी इसे सेट कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्रश नहीं है। कंसीलर लगाने से आपका जो आई शेडो का जो कलर है ना, बहुत अच्छे से उभर कर आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कंसीलर अप्लाई किया है। अब मैं लैक्मे लूज पाउडर की हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लूंगी। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, और सेकंड स्टेप में मैं अपनी आईब्रोज को अच्छे से सेट कर लूंगी इस आईब्रो पेंसिल की हेल्प से। और अपनी आईब्रोज को जब भी आप सेट करें, तो हमेशा बीच से शुरू करें सेट करना, क्योंकि जो गैप्स होती हैं हमें सिर्फ उन्हें फिल करना होता है और थोड़ा सा शेप देनी होती है आईब्रोज को। तो मैंने यहां पर अपनी आईब्रोज को सेट कर लिया है। अब मैं इस पुली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को कॉम करूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्लेंडिंग ब्रश, और ये काफी फ्लफी ब्रश है और ब्लेंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये ब्रश मेरा फेवरेट भी है। अब मैं अपनी क्रीज लाइन पर ये जो ऑरेंज कलर का शेड आप देख रहे हैं, ये ले लूंगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पर हुडा ब्यूटी के पैलेट से ये डार्क बर्गंडी कलर, और इसे हमने अपनी पूरी आईलिड पर लगाना है। तो ये देखिए, मैंने आई शेडो लगा लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अपने मार्स आई शेडो पैलेट से ये गोल्डन कलर ले रही हूँ, और ये शिमर शेड है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है, तो आप इस तरीके से अपनी रिंग फिंगर की हेल्प से भी इसे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मिसिक फ्लावर जेल आईलाइनर। और अगर आप इस आईलाइनर का रिव्यू देखना चाहते हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो पे जा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा आईलाइनर है ये। और इस तरह से आप एक पेंसिल ब्रश ले लीजिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फेसिस कैनेडा का काजल, और ये भी काफी पिगमेंटेड है, काफी अच्छा काजल है, और ये 8 से 10 घंटे आपकी आईज पर टिका रहता है। वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपना मेबेलिन का मस्कारा।
नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाइलाइटर। और ये है मेरा फाइनल लुक। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो, और अगर आपको हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी सी न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।